नमस्कार मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ हम लोग सिंकोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे आज हम लोग सिंकोनस मशीन के बारे में पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिंकोनस मशीन पढ़ेंगे तो आज जो मेरा टॉपिक है पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिंकोनस मशीन यहाँ सिंकोनस मशीन हमने इसलिए लिखा है कि सिंकोनस मशीन दो प्रकार के होते हैं या तो वो सेलियन टाइप का होगा या तो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा तो हम दोनों के लिए पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ेंगे सेलियंट के लिए भी पढ़ेंगे और सिंकोनस के लिए भी हम लोग स्टडी करेंगे तो पावर फ्लो इक्वेशन यहाँ पर सिंकोनस मशीन में पावर फ्लो इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे मतलब उसका पावर वे पावर फ्लो इक्वेशन का जो डेरिवेशन आएगा किस तरह से डेराइव करेंगे यहाँ पर हम उसको कंसीडर करेंगे क्योंकि क्या होता है सिंकोनस मशीन में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है जिसको आर बोलते हैं वो बहुत कम होता है इसलिए यहाँ पर आर को क्या कर देंगे निगलैक्ट कर देंगे क्लियर है तो हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन किसके किसके लिए पढ़ते हैं एक तो सिलेंडिकल रोटर के लिए पढ़ते हैं तो है, और दूसरा सिलेंट रोटर के लिए पढ़ते हैं और यहाँ पर हमने आर को जो किया है आर को हमने निग्लेक्ट कर दिया है मतलब आर को हमने जीरो कंसीडर कर लिए हैं तो जो पहला एक पावर फ्लो इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर तो सिलेंड्रिकल रोटर का हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ेंगे पहली बात तो इसमें हमने क्या ले रखा है आर को जीरो कर रखा है तो जैसे हमने जनरेटर लेते हैं तो जनरेटर में क्या हो जाएगा ये ई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एक्स ए आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर ए को हमने क्या बोल दिया ज़ीरो बोल दिया तो यहाँ पर इसको नहीं बनाना चाहिए था फिर भी हमने बना दिया और ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा तो जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हमने बताया था जब भी फेजर डायग्राम ड्रा करें तो वी को क्या बनाए वर्टिकल बनाएं तो ये आपका क्या हो गया वी हो गया और आपका क्या है हमने यहाँ पर लैगिंग कंडीशन लिया है तो लैगिंग कंडीशन मतलब जो करेंट होगा आर्मेचर करंट करेंट होगा वो भी टी से क्या करेगा लैग करेगा हमने बोल दिया वो लैग कर रहा है ये आई ए हो गया और आई ए आर ए रजिस्टेंस हमने इग्नोर कर रखा है नहीं तो ये ऐसे जाता और आई एक्सेस क्या होगा इससे इससे नाइन्टी डिग्री पर ये क्या करेगा आई ए एक्सेस लीड करेगा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये नाइन्टी डिग्री आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आई ए एक्सेस और ये क्या हो जाएगा आपका ई एफ हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा फेजर डायग्राम उस फेजर डायग्राम को हमने यहाँ पर ऐसे बना ले रखा है अब हम बात करते हैं कि इस सिलियेंट सॉरी सिलेंडिकल सिंकोनस जनरेटर को हमने एक इन्फाइनट बस बार से क्या कर रखा है कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है हमें पता है इन्फाइन बस बार का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है और टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होता है और इनफाइनाइट इनर्सिया होती है ये तीन चीज़ में कांस्टेंट होता है तो वही हमने लिखा है माना सिंकोनस मशीन जो एक सिंकोनस जनरेटर की तरह कार्य करता है यह सिंकोनस जनरेटर इनफाइनाइट बस बार को सप्लाई फिट करती है इसको सप्लाई क्या कर रही फिट कर रही है जबकि ये कैसी है लोड इस पर किस तरह से बिहेव कर रहा है लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में काम कर रहा है अब हम बात करते हैं कि ये ये आपका क्या है यहाँ से बीते ये आपका नाइन्टी डिग्री है और ये क्या है ये थीटा है तो अगर हम बात करें तो इस एंगल मतलब इस ट्रायंगल की हम बात करें इस ट्रायंगल की पूरी बात करें तो ये थीटा है 90 है तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा क्योंकि वन एट्टी होता है और इन दोनों का अगर हम सम करें तो भी क्या होगा वन एट्टी आएगा तो इससे आप माइनस करेंगे वन एट्टी में से वन एट्टी में से ये नाइन्टी माइनस थीटा करेंगे तो नाइन्टी माइनस ठीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नाइन्टी प्लस थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा तो यही हम आगे इसको ड्राइव भी किए होंगे हमने वही लिखा है सिंकोनस जनरेटर द्वारा इन्फाइनइट बस बार को डिलीवर्ट किया गया पर फेज पावर तो एक फेज में कितना पावर ये डिलीवर्ट कर रहा है तो पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पी इक्वल टू वी आई कास्टिटा कास्ट, थीटा। कास्ट थीटा क्या होता है बी और आई के भी टर्मिनल वोल्टेज और आई ए के बीच का एंगल होता है तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी इक्वल टू वी टी आई ए कास्टिटा यहाँ तो क्लियर है अब हमें वही जो हमने डेरिवेशन किया है कि ये आपका एंगल क्या है ओ बी ए बी ए मतलब ये क्या ओ बी ओ बी ए ये क्या है आपका नाइन्टी माइनस ठीटा होगा क्यों होगा क्योंकि ये आपका क्या है थीटा है और ये क्या आपका नाइन्टी है तो यह क्या होता है जब नाइन्टी माइनस ठीठा तो ये चीज हमने लिखा नाइन्टी थीटा अब बात करते हैं इस एंगल की बात करते हैं तो ये पूरा क्या होगा ये पूरा वन एट्टी होगा तो वन एट्टी में से अगर इतना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन्टी प्लस ठीठा हो जाएगा मतलब ये एंगल जो आ गया ओ बी सी जो आ जाएगा वो नाइन्टी प्लस ठीठा हो गया इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अब देखिए क्या है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम लोगों का मेन मक़सद क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ पर जो ये ये जो पावर है ये सिलेंड्रिकल के लिए हमें पावर निकालना है क्या आएगा तो इतना करने के बाद ट्रेंगल ओ बी सी की बात करें ओ बी सी की इस ट्रेंगल की बात करें क्योंकि हम यहाँ पर साइन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ कह सकते हैं बी सी इज्कल टू मतलब ये आपका क्या है बी सी बी सी ये है बी सी अपन ये एंगल तो ये एंगल क्या हो जाएगा साइन ओ बी ओ सी मतलब बी ओ सी बी ओ सी बिल्कुल तो ये एंगल तो या बी सी को क्या लिख सकते बी सी को आई एक्सेस लिख दिए और इसको क्या हमने लिख दिया साइन डेल्टा लिख दिया क्लियर है इसी प्रकार ओ सी की बात करें ओ सी कहाँ गया आपका रहा ओ ओ और ये राशि मतलब ई एफ की बात कर रहा है इसके सामने का एंगल क्या है नाइन्टी प्लस ठीठा मतलब एंगल सी बी ओ एंगल सी बी ओ या ओ बी सी ए की बात है तो यहाँ से क्या हो जाए ई ओ सी को ई एफ बोल दिए और इस एंगल को हमने नाइन्टी प्लस ठीठा लिख दिया यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रास मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का अगर क्रास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई ए एक्सेस और साइन नाइन्टी प्लस ठीठा ई एफ साइन डेल्टा क्लियर है वहाँ पर जो हमने पावर का फॉर्मूला लिखा था पी इजल टू वी टी आई ए कास थीटा यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालेंगे आई ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे देखिए यहाँ से आई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर हमने दोबारा उसी को लिखा आई ए एक्सेस कास थीटा ई एफ यहाँ से आई ए कास्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो आई ए का तो ये एक्सेज़ तो क्या हो जाएगा इसके

इन दोनों में क्या करते हैं पावर का जो हमने इक्वेशन निकाला था पी कुल टू वी टी ई एफ ई एफ एक्सेस साइन डेल्टा जो हमने इक्वेशन ये निकाला था अब हम क्या करेंगे इसकी और इसके बीच में एक ग्राफ खींचेंगे मतलब पावर वर्सेस डेल्टा के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे इस ग्राफ को क्या बोलते हैं पावर एंगल कैरेटिस्टिक बोलते हैं अब बात करते हैं कि इसमें कौन एक्स एक्सिस पर होगा और कौन वाई एक्सिस पर होगा अब आपको पता है एक्स एक्सिस पर वही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट मतलब ये डेल्टा अगर आप देखेंगे ये डेल्टा क्या है इससे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा और पावर क्या है डिपेंडेंट है तो इसलिए यहाँ पर आएगा पी तो हमने ये ग्राफ खींचा अब ग्राफ खींचेंगे तो आप पी वर्सेस मतलब पी वर्सेस डेल्टा में ग्राफ खींचेंगे तो इससे समझ में आ रहा है ये क्या है साइन का टर्म्स है तो साइन का टर्म होगा तो ये ये आएगा क्लियर इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो यहाँ से जो आपका आया तो इसका जो ग्राफ का ये आपका पूरा ये इसका ये ग्राफ हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये साइन में टर्म है अगर हम बात करते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए निगेटिव आ जाए मतलब निगेटिव कब आता है जब यही मोटर की जगह क्या हो जाता है एक्चुअल में क्या होता है डेल्टा आपके किसके किसके बीच का एंगल होता है ई एफ और भी टी के बीच का एंगल होता है जनरेटर में जनरेटर में हमेशा ई एफ क्या करता है लीड करता है किससे लीड करता है वी टी से हमेशा ये लीड करता है तो इसका जो डेल्टा आएगा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा लेकिन मोटर में बताइए क्या होगा मोटर में आपका डेल्टा भी टी क्या करेगा लीड करेगा किससे ई एफ से अतः डेल्टा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा तो इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा ये ये इस तरह से आ जाएगा तो ये जो पोर्शन आया ये क्या आ गया जनरेटर के लिए हो जाएगा और ये जो पोर्शन आया ये क्या हो जाएगा मोटर के लिए हो जाएगा तो ये क्या हो गया तो ये जो पावर फ्लो इक्वेशन आया सिलेंडिकल मशीन के लिए तो ये जो होगा ये जनरेटर के लिए होगा पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला आपका क्या होगा रोटर का होगा यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि पावर फ्लो इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी 90 डिग्री पर आएगी मतलब 90 डिग्री पर ये क्या आएगा मैक्सिमम पावर फ्लो होगा वो जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है अब बात करते हैं हमने एक पॉइंट ओवर किया कौन सा सिलेंड्रिकल के लिए अब हम लोग बात करते हैं सेलियंट मशीन के लिए बात करते हैं या सेलियंट रोटर के लिए बात करते हैं तो पावर फ्लो इक्वेशन फॉर सेलियंट रोटर तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक सिंकोना सेलियंट मशीन लेंगे उस सेलियंट मशीन को क्या किस तरह से ऑपरेट करेंगे एक जनरेटर की तरह ऑपरेट करेंगे और उस जनरेटर को क्या करेंगे इनफाइनाइट बस बार से क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे और इस जनरेटर का भी आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे अर्थात आर ए की वैल्यू क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे एक चीज़ आप ये तो आपका इनफाइनाइट बस बार है इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपका कांस्टेंट है ये तो है ही अब वहाँ पर जो आपने ई एफ लिखा था वहाँ पर मात्र ई तो एफ लिखा था यहाँ पर एक्सेस लिखा था वहाँ पर सिलिंड्रिकल के लिए लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक्सेस नहीं होता है यहाँ पर एक्स डी होता है और एक्स होता है जो एच डी क्या है ये यह जो यहाँ पर एक्स ए आर लिए थे सॉरी जो एक्स आर ए आर लिए जाते थे तो वहाँ पर एक्स ए आर को एक्स ए डी एक्स ए आर को वहाँ पर दो भाग में सिलेंडर में डिवाइड किया जाता है एक्स ए डी और एक्स ए क्यू और जब इसमें लिख के जोड़ दिया जाता है एक्स एल या एक्स ए एल बोल सकते हैं एक्स ए एल तो ये क्या जाता है इन दोनों के क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्स डी और इसको बोलते हैं एक्स क्यू तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंस है एक डायरेक्ट एक्स रिएक्टेंस एट एक और दूसरा है कोआडिनेचर एक्सिस रिएक्टेंस ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं जो कि फेजर डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम इसको यहाँ दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं जो फेजर डायग्राम जब भी ड्रा करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं एक सबसे पहले आपका करेंट को ड्रा करते उस करेंट को एक आई होता है और एक आई होता है आई हमेशा हमेशा किसके दिशा में होता है ई की दिशा में होता है ये आपको ध्यान रखना है और इन दोनों को इन दोनों को जब सम कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका आई ए आ जाता है सबसे पहले यही वही हमने क्या किया आई ड्रा किया आई ड्रा किया और ये आपका आई आ गया और आपका चूंकि हमने क्या बोला यहां पर भी लैगिंग का कंडीशन लिए हैं तो लैगिंग का कंडीशन क्या है ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है और से क्या कर रहा है थीटा आई डी कर डी खींचेंगे तो आई डी एच डी क्या करेगा इस आई डी से इस आई डी से आई डी डी क्या करेगा लीड करेगा क्योंकि ये रिएक्टेंस है तो आई डी एंड एच डी तो यहाँ पर आपने लिखा है आई डी एच डी और इस वाले से इस वाले से इस वाले से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा आई क्यू एक्स क्यू क्या करेगा लीड करेगा तो ये देखिए ये लीड कर रहा है लीड किसको कहते हैं लीड उसको कहते हैं जो एंटी क्लैक आगे होता है उसको लीड बोलते हैं और जो पीछे होता उसको है उसको लैग करते हैं यहाँ तो क्लियर है तो यहाँ से इन तीनों को हम जब जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हम हो गया ये प्राप्त हो गया हमें पता है भी और ई के बीच में जो एंगल बोल बनता है उसको क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं जिसको टार्क एंगल बोलते हैं तो ये फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ द सेलियंट फेजर डायग्राम हम लोग पढ़े थे हमें यहाँ क्या निकालना है मेरा यहाँ मेन मकसद था पावर फ्लो निकालना है किसका सेलियंट का जो कि हम सिलिंड्रिकल का निकाल चुके हैं तो पावर फ्लो कैसे निकालेंगे मतलब पावर फ्लो का इक्वेशन होता है वी आई कास्ट मतलब वी आई जो कास्ट थीटा हम लोग लिखते हैं ध्यान से देखिए जो पावर का इक्वेशन लिखते हैं पी इक्वल टू वी आई कास्ट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है पी टू जो ये वोल्टेज है ये आईए कास्टिटा किसके रिस्पेक्ट में इस वोल्टेज के फेज में होता है फिर से बोल रहे हैं जो हम लिखते हैं पी इजक्ल टू वी आई कास्ट थीटा तो ये जो कास्ट थी जो ये कास्ट थीटा होता है ये कास्ट थीटा होता है ये कास्ट थीटा ये वोल्टेज के फेज में होता है ये बहुत कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा यही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर पावर फ्लो इक्वेशन डिराइव करने में यहाँ पर हमने लिखा आई की दिशा में वी होगा आई डी ये है आई डी ये है तो इसके दिशा में भी टी क्या होगा तो ये आई डी इस दिशा में है तो भी टी ये है तो भी टी को आप दो भाग में तोड़ेंगे एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा या दूसरा बोल सकते हैं ये भी टी एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा तो इस भी डी को इसकी दिशा में कौन है इसकी दिशा में ये है क्लियर है आई डी के दिशा में ये आपका क्या है भिटी है अब बात करते हैं इस आई की दिशा में भिटी की वैल्यू क्या होगा तो ये डेल्टा है तो इसके सामने एंगल क्या होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको लिखेंगे भिटी साइन डेल्टा तो वी टी साइन डेल्टा तो ए बी क्या है आपका भिटी साइन डेल्टा जो ए बी किसके फेज में है आई डी के फेज में है इसी प्रकार अगर हम बात करें आई क्यू आई क्यू की दिशा ये है तो इस भी की दिशा में इस भी टी इस दिशा में करेंगे तो भी टी इसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए कास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भिटी कास डेल्टा तो मतलब क्या है आई डी की दिशा में भी टी साइन थीटा है और आई क्यू की दिशा में भी टी डेल्टा डेल्टा थीटा हमने बोल दिया सॉरी वो डेल्टा है अब मुझे पावर का इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू क्या होता है भी आई हमने बोला उसकी दिशा में तो यहां पर लिखे बी इंटू आई बी आपका ये हो गया और आई डी आई डी साइन डेल्टा भी टी अब देखिए अब हमने वही लिखा आई डी और इसके दिशा में क्या होगा आपका भी टी साइन डेल्टा मतलब ये बी है और ये आई है इसी प्रकार अगर हम बात करें आई प्लेम भी टी, आई क्यू आईक्यू की दिशा में कौन है ये भी टी का डेल्टा भिटी का डेल्टा तो ये जो पावर का इक्वेशन आया वो किसके लिए आया ये सेलियंट के लिए आया ये अभी इसको और डराइव करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब देखिए क्या करते हैं यहां पर हम आई डी और आई की, की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे कहीं से और इसको यहां पर पुटअप कर देंगे अब देखिए क्या करते हैं फिगर से देखेंगे तो भी टी साइन डेल्टा मतलब भी टी साइन डेल्टा क्या हो जाएगा ये आपका ये ए बी ये और ये किसके बराबर है सी डी सी डी और सी डी किसके बराबर है आई क्यू एस के बराबर है क्लियर है यहां से अगर आप आई क्यू निकालेंगे तो आई क्यूकल टू आ जाएगा बी टी साइन डेल्टा डिवाइड बाई एक्स क्यू क्लियर है यहां से हमने आई क्यू निकाला अब मेरा दूसरा मकसद क्या होगा मुझे दूसरा मकसद मेरा होगा आई निकालना और ये आई क्यू और आई को क्या करेंगे वहां पर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे अब देखिए हम आई डी कैसे निकालते हैं भी टी काश डेल्टा ये आपका है वी टी काश डेल्टा यही होगा ना वी टी काश डेल्टा मतलब ओ ए ये किसका होगा वी टी काश डेल्टा को हम लोग ओ ए बोलते हैं अब ओ ए की वैल्यू क्या होगी उन्होंने क्या किया ओ डी में से इस पूरे में से कितना माइनस कर दिया ए माइनस कर दिया तो ये क्या निकला ओ एक्चुअल में ये क्या है आपका ओ के बराबर ही होगा ओ ये ओ ए हो गया सॉरी यहाँ लिख देते ओ ए तो ओ ए को आप क्या लिख सकते हैं ए को आप ओ में से ओ में से ए क्या करेंगे माइनस कर सकते हैं अब बात करिए ओ तो हमने एज लिखा और ए की वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन ये ए ये ए किसके बराबर है इस bc के बराबर है हमने यहाँ पर bc लिख दिया इस od की वैल्यू क्या है खुद देखिए od की वैल्यू ef के बराबर है तो इस od को हमने इस od को हमने ef लिख दिया और ये आपका bc bc किसके बराबर है आप देखेंगे id xt के बराबर है क्लियर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब इसी तरह से हम क्या करेंगे हमें क्या निकालना है आईडी निकालना है तो हमने आईडी डी डी को इधर ट्रांसफर कर लिया और आप जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आएगा नहीं इसको इधर इसको आपने इधर ट्रांसफ़र किया ये एज इट इज रहा अब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा ई एफ भी टी ई एफ माइनस भी टी काश डेल्टा हो गया और यहां से आपका जो आई आ जाएगा यहाँ से आई आ जाएगा ई एफ माइनस भी टी काश डेल्टा अपन एक्स डी क्योंकि ये एक्स डी क्या हो जाएगा यहाँ के नीचे आ जाएगा यहाँ क्लियर है अब आपने दो वैल्यू निकाल लिया आई क्यू एंड आई डी इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन टू में क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे तो आई डी और आई क्यू की वैल्यू इक्वेशन टू में तो यह आपने निकाला था आई क्यू स्क्वल टू भी टी साइन डेल्टा एक्स क्यू जो पीछे निकाले हैं इसी तरह आई डी स्क्वल टू ई एफ टी माइनस वी टी का डेल्टा अपन एस ये आपका क्या था इक्वेशन टू जो इसके ये इसके फेज में था जो पहले हम दिखाए थे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आई की जगह आई की जगह ये रखेंगे और आई की जगह ये रखेंगे तो आई डी जहाँ आप रखें ई एफ ई एफ ई एफ टी वी टी डेल्टा अपन एच डी और ये पूरा पूरा भी टी साइन डेल्टा इसी तरह यहाँ पर आई क्यू को लू क्या रखेंगे वी टी साइन डेल्टा वी टी साइन डेल्टा एक्स क्यू ये आ गया और एज इट इज़ ये पूरी पूरी वी टी डेल्टा आपने यहाँ पर लिख दिया अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं हमने वही इक्वेशन दोबारा लिखा है जो पीछे लिखा था प्रीवियस पेज में आप देख भी सकते हैं बिल्कुल यही होगा भी टी साइन डेल्टा भी टी साइन डेल्टा ये अब हमने क्या किया मेरा इसको और सिंप्लीफाई करने का मकसद है तो हमने क्या किया इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगर ये देखेंगे ये पूरा एक है तो इसके में मल्टीप्लाई करेंगे ई या भी टी साइन डेल्टा एच डी माइनस BT, 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 दो बार हो जाएगा तो भिटी स्क्वायर हो जाएगा का डेल्टा साइन डेल्टा ये आ गया अपान ये एच टी आ गया इसी प्रकार इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भिटी स्क्वायर ये टी भिटी स्क्वायर हो जाएगा साइन डेल्टा का डेल्टा और एक्स क्यू आ गया आपका क्लियर है अब यहां से आकर ध्यान देखिए तो ये एजिटीज हमने इसको लिख दिया इसको तो हमने एजिटी लिख दिया इन दोनों में इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए आपको क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर साइन डेल्टा का डेल्टा क्या हो जाएगा कॉमन मिल गया तो बचा क्या वन अपान एक्स क्यू ये प्लस वाले को हमने पहले लिखा और माइनस वन अपान एस टी क्लियर है अब हमने क्या किया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको इट इज हमने लिखते लिख दिए और यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया वही हमने किया है और टू क्या हो जाएगा टू साइन डेल्टा इंटू का डेल्टा को क्या लिखते हैं साइन टू डेल्टा तो ये ऊपर वाला ये और ये पूरा मिल करके क्या हो जाएगा साइन टू डेल्टा हो जाएगा और ये भी टू तो ये जो मेरा एक इक्वेशन आया ये इक्वेशन किसके लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस इक्वेशन को आपको याद रहना चाहिए ये किसके लिए होता है सेलिएंट मशीन के लिए होता है क्लियर है Clear? अब बात करते हैं इस सेलिएंट मशीन में आप देख रहे हैं दो दो टर्म है एक टर्म है आपका ई एफ भी टी एच डी साइन डेल्टा और दूसरा है भी टी स्क्वायर टू अपान वन अपान एच डी एक्स क्यू माइनस एच डी है अब देखिए इसमें दो है तो यहाँ पर जो आपका काम कर रहा है तो इस पावर को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं क्यों इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक फील्ड वाइंडिंग की वजह से ई एम एफ पैदा होता है जिसको क्या बोलते हैं ई एफ होता है और दूसरा क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जो वोल्टेज पैदा होता है उसको भी टी होते हैं ये दोनों पर डिपेंड करती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं अब बात करते हैं दूसरे पावर की बात करते हैं आपका दूसरा पावर है पी टू इजल टू हमने एक जो हमने पी लिखा था यहाँ पी एजल टू पी वन प्लस पी टू कर दिया इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैक्ट और इसको जो बोल रहे हैं बी टी स्क् वन अपान एस क्यू माइनस वन अपान एक्स डी साइन टू डेल्टा इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं रिलेक्टेंस पावर कहते हैं इसको रिलेक्टेंस पावर क्यों कहते हैं क्योंकि ये किसकी वजह से पैदा हो रहा है एक्स डी और एक्स क्यू मतलब अलग 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 क्या है एयर गैप की वजह से अलग अलग रिलेक्टेंस प्राप्त होता है जिसकी वजह से यह पावर डेवलप्ड होता है इसलिए इस पावर को रिलक्टेंस पावर कहते हैं क्लियर है तो इस प्रकार सेलियंट मशीन में दो प्रकार के पावर डेवलप होते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और दूसरा क्या कौन सा पावर होता है सेलियंट पावर होता है फिर हम रिपीट जबकि जबकि सिलेंड्रिकल रोटर में मात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही डेवलप होता है इतना क्लियर है एक इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दोनों पर एक क्वेश्चन आता है विशेष करके इस पर आता है कि यदि सेलियंट यदि सिंकोनस मोटर में फील्ड को हटा दिया जाए नो लोड कंडीशन पर सेलियंट रोटर सेलियंट मोटर में सिंकोनस मोटर में फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा क्या वो उसी स्पीड से चलती रहेगी सिंकोनस स्पीड से या सिंकोनस स्पीड से बढ़ जाएगी या सिंकोनस स्पीड से घट जाएगी तो इसका आंसर है वो अभी भी सिंकोनस स्पीड पर भी चलेगी क्योंकि अब वो किस पावर से वो चलेगी वो इस पावर से चलेगी टू के पावर से जिसको रिएक्टेंस पावर बोलते हैं ये पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि जैसे आप फील्ड को हटा देंगे ईएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अतः आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा वैनिश हो जाएगा फिनिश हो जाएगा लेकिन ये आपका जो रिएक्टेंस पावर है इस रिएक्टेंस की पावर से वो क्या करेगा कंटिन्यू चलता रहेगा क्लियर है ये एग्जाम का क्वेश्चन है अब बात करते हैं पावर एंगल कैटिस्टिक सेलियन टोटा अब इसका जैसे आपने वहाँ पर बनाया था ऐसे यहाँ पर बनाना है तो जो आपका इक्वेशन आया पी इक्वल टू ई वी टी साइन डेल्टा अपान भी टी स्क्वायर टू एच डी माइनस एच क्यू साइन टू डेल्टा अगर आप इसकी बात करें तो इसका ग्राफ हमने बोला ना डेल्टा के बीच में और डेल्टा के बीच में और पी के बीच में खींचना है तो ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा आपका ये ऐसे ही आएगा जैसे वहाँ पर आ रहा था इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है और पीछे भी करना चाहिए तो आप पीछे कर लीजिए कोई वो नहीं है ये आपका क्या हो जाएगा ये ये जनरेटर हो जाएगा ये मोटर हो जाएगा अब हम बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या होगा इसका जो कैसा होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है टू टाइम्स है इसकी फ्रिक्वेंसी दुगनी है तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा इसी पोजीशन पर ये एक साइकिल पूरा कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अगर आप ध्यान से देखिए इसमें ये आधी साइकिल है तो ये आपका एक साइकिल यहीं पर पूरा कर लेगा ये आपका क्या हुआ इसी तरह यहाँ पर आएगा ट्यू 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 कुछ ऐसा होगा बिल्कुल एग्री तो ये जो है ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर है तो वही हमने दिखा दिया ये जो पोर्शन हमने दिखाया ये वाला पोर्शन ये इसका है और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है वो इसका है अगर इन दोनों का रिजल्टेड निकाले, रिजल्टेड मीन्स दोनों का सम करें तो जब दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर क्या हो जाए ये तो जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो पर है और यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम आ रहा था इस वाले पोजिशन में नाइन्टी इस वाले पर तो यहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सॉरी ये आपका इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम पहले आ रहा था अब यहाँ मैक्सीम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले मैक्सिमम आएगा क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो है ये दो ये नाइन्टी है ये मैक्सिमम है ये ज़ीरो है लेकिन यहाँ पर तो कम है लेकिन ये भी प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा तो रिजल्टेंट पावर क्या आ जाएगा तो रिजल्टेंट पावर जो आपने इन दोनों को सम करके पाया है वो नाइन्टी से पहले मैक्सिमम आएगा यहाँ पर 90 से पहले मैक्सिमम आएगा इसी तरह ये आपका जनरेटर में मिलेगा तो वहीं हमने लिखा है जनरेटर में ई का फेजर भी से लीड करता है जबकि मोटर में अपोजिट आता है जो हमने लिखाया है अपोजिट होगा तो वो ये आपका क्या आएगा जनरेटर हो जाएगा इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या 90 पाले आएगी नाइन्टी से पहले आएगी जबकि उसमें क्या आती थी उसी पर आती थी मतलब नाइन्टी डिग्री पर आती थी सिलेंडिकल में तो हम लोगों का आज का लेक्चर इतना ही है पावर फ्लो इक्वेशन बस धन्यवाद नमस्कार